हेलो फ्रेंड्स सो यसटडे वी हैव फिनिश द पॉलिटी पार्ट ऑफ विजन विजन की जो अक्टूबर मंथली मैगजीन आती है नाउ लेट्स कम टू द इंटरनेशनल रिलेशन तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पहला टॉपिक है विच इज़ इंडिया डेवलपमेंट कोऑपरेशन तो इंडियाज़ डेवलपमेंट कोऑपरेशन मतलब बहुत सारे जो डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं उसका इंडिया का क्या कॉपरेशन है अलग कंट्रीज़ uh, के साथ हमारी जो अलग हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो हम वो देखेंगे तो इसमें बताया गया है ये न्यूज़ में क्यों है कि अभी जो है इंडिया इस डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा एनहानस करने की उसकी बात की गई है क्योंकि क्या हो रहा है पास सेवरल डिकट से हमारी ये चीज़ें जो हैं ये सॉल्व नहीं हो पा रही हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी चैलेंजेस हैं इंडिया के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर वो सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही तो इस चीज़ें के लिए हमको ये जो है न्यूज़ में है अब बैकग्राउंड क्या है तो पहली बार हमने कब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए आ, काम किया था फ्रेमवर्क कब लाया था तो फर्स्ट एफर्ट जो इंडिया ने लिया था टू शेप अ फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो 2003 में लिया था जब उन्होंने अनाउंस किया था इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव तो इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव 2003 में इन्होंने अनाउंस किया उसी के बाद जो है इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है फ्रेमवर्क ले आया फर्स्ट टाइम ले आए फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंटली अगर बात करें उसके बाद क्या हुआ इंडियाज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम लॉन्च की गई टू में जो कि क्या देने लगी क्रेडिट लाइन्स जो भी कंट्रीज एक दूसरे को देती हैं इंडिया जो भी कंट्री को देती हैं उनको मैनेज करने लगे फिर 2007 में गवर्नमेंट ने इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने सेटअप किया इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी जो कि विच नेवर टूक ऑफ ओके सो तो यहाँ पर क्या हुआ कि uh, हमको यहाँ से पता चलता है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क लिए गए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई बट वो अपने एंड uh, मतलब जो अपने ऑब्जेक्टिव थे उन पर खड़ा नहीं उतरे तो uh, इसके कारण क्या हुआ तो हमको इनसे पता चलता है कि देयर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ फर्म इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन मतलब कोई भी जो कि इंडिया डेवलपमेंट कॉपोरेशन को, को सपोर्ट करे ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन नहीं है हमारे पास इसलिए इंडिया को एक क्लियर विजन चाहिए कि वो अपना जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसको सस्टेनेबल कर सके और अपने आप को एक ग्लोबल पावर बना सके पूरे वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड में और उसके बियॉन्ड नेबरहुड में भी ठीक है टू अचीव दिस तो इसके लिए हमको अर्जेंट नीड है कि हम रिफॉर्म करें एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे यहाँ उनमें हम रिफॉर्म करें ओके नाउ लेट्स कम टू इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन तो इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इंडियाज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब जो भी हमने इन्हांस करने की बात की उसको कॉम्प्रिहेंसिव और उसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को इन्वॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रांट इन एड जो है दूसरी कंट्रीज को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो भी लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट एक टाइप का लोन होता है जो हम कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्निकल असिस्टेंस ये सब फिर डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ पार्टनर कंट्रीज अगर बात करें तो इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो रेंज करता है कॉमर्स से कल्चर हो गया है एनर्जी टू इंजीनियरिंग हेल्थ टू हाउसिंग आईटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स टू साइंस डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमिटेरियन असिस्टेंस इसे भी उसके अंदर आते हैं करंटली अगर बात करें तो इंडिया का जो डेवलपमेंट कॉपरेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी साउथ साउथ कॉपरेशन पे बेस्ड मतलब साउथ साउथ कॉपोरेशन पे बेस्ड है तो जो भी इस ग्लोबल साउथ में कंट्रीज लोकेटेड हैं उन पे ही वो ज़्यादा फोकस करते हैं ऑल दो अगर हम बात करें इंडिया का एलोकेशन जो है जो भी ओवरऑल uh, बजट है डेवलपमेंट कॉपरेशन के लिए वो बहुत लेस देन वन परसेंट है बट ये स्टिल सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा हाई हाई इनकम कंट्रीज से जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टू टू परसेंट कर जो है जीडीपी डी पी का आ, वो करते हैं साउथ कोरिया जीरो पॉइंट फाइव परसेंट वन फाइव परसेंट ऑस्ट्रिया जीरो पॉइंट टू सेवन परसेंट तो ऐसे आप देख सकते हैं फिर डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है जो कि पूरी जो डेवलपमेंट uh, पार्टनरशिप होती है उनका मैनेजमेंट उनका कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो सब मैनेज करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर बात करें तो इंडिया का असिस्टेंस जो है अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो बहुत सारे बहुत टाइम्स सेवरल टाइम्स से गया हुआ है ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो इंडिया जो है ये डेवलपमेंट स प्रोवाइड करता है डॉलर सिक्स पॉइंट फोर एट बिलियन का और असिस्टेंस कितना रिसीव करता है डॉलर सिक्स पॉइंट जीरो नाइन बिलियन का एनुअली ओके अंडर फ्रॉम द की पार्टनर्स एज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस अब ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है ये क्या इन्वॉल्व करते हैं जो भी फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प जो है एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज को देती है दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफिशियल मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी डेवलपमेंट असिस्टेंस असिस्टेंस मतलब किसी को ग्रांटी नेट देना और जो भी हेल्प प्रोवाइड करना एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जब इंडिया फाइनेंशियल uh, और टेक्निकल प्रोवाइड करती है एक कंट्री एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री को तो उसे हम ओडियो बोलते हैं ओके okay? तो दिस इज़ ओडीए नाउ लेट्स कम टू एफर्ट्स बाई इंडिया इन डेवलपमेंट कॉपरेशन अगर बात की जाए तो एफ, इंडिया ने क्या एफ़र्ट्स लिए थे डेवलपमेंट कॉपरेशन के लिए इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जहाँ पे इंडिया का ये कौन सा प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशियेटिव है नाइनटीन सिक्सटी फोर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया ये जो है इम्पॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट बन के निकला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फिर इंडिया एड मिशन आया जो कि लॉन्च किया गया नेपाल में नाइनटीन फिफ्टी टू में फिर न्यू स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट डिवीजन जो है ये सेटअप की गई किस चीज़ के लिए जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं एडवांस जो भी फॉरन कंट्रीज हैं एडवास्ड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कोलैबोरेशन करें और बेटर कोऑर्डिनेशन करें इन यूथोपिया इन यू, 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 अगर बात करें तो इंडिया जो है बेटर क्वालिटी जर्म प्लास्ट न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग के लिए और मार्केट में एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं आ, अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट फॉर पैकेजिंग फॉर बेटर एक्सेस टू तो यूरोपियन मार्केट इंडिया जो है हैज़ ऑल्सो सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड ड ऑफ सेवरल पार्टनर कंट्रीज़ इन अफ्रीका ने तो इंडिया का जो है बहुत सारी जगह बहुत कंट्रीज़ के साथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है बहुत अच्छा है अब आते हैं नीड क्या है ज़रूरी क्यों है हमको इंडिया की डेवलपमेंट कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इवोल्यूशन इन जियोपॉलिटिक्स क्या हो रहा है जियोपॉलिटिक्स जो टर्म थे पहले क्या था पहले की जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग थी अब की जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग है तो उसके हिसाब से जो भी जियो में चेंजेस आ रहे हैं इवोल्यूशन एवौल्यू, आ रहे हैं उसके लिए हमको डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले हम क्या करते थे पहले हम पहले जो है बॉडोंग कॉन्फ्रेंस जो है था नाइनटीन का उसको हम फॉलो करते थे बट अब उसके बियॉन्ड भी जाने की जरूरत है हमको फिर पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट पैंड कंट्रीज जो थी वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कोऑपरेशन एफर्ट्स चाहती हैं बिकॉज आपने देखा कि कोविड के चक्कर में बहुत सारे चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हुई पूरी वर्ल्ड में वर्ल्ड की अगर बात करें तो हमको बहुत ज्यादा इस चीज़ की जरूरत है कि हम स्कोप को इंक्रीज़ कर पाए इन डेवलपमेंट कोऑपरेशन फॉर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब चीज़ों के लिए फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसलीटरल रिलेशन बढ़ाने के लिए इंडिया जो है इंडिया डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है उसको नीड बेस्ड अप्रोच नीड ड्रिवेन अप्रोच फॉलो करना चाहिए उसकी तरफ करना चाहिए जैसे कि पार्टनर कंट्रीज जो है उसके डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हैं और उसके डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव और इंडिया के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो दोनों एक साथ हो जाए हैंड इन हैंड में मूव करें जैसे कि दोनों कंट्रीज को लॉस ना हो फिर इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क एज इंडियाज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ग्रोस तो स्पेंडिंग जो है वो पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर आ जाती है इसके लिए हमको अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और रिवोल्यूशन फ्रेमवर्क भी बढ़ाने की ज़रूरत है तो दिस इज़ द बेनिफिट दिस इज़ द नीड फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट ए कॉरपोरेशन एजेंसी अब फाइव मॉडलिटीज़ जो है इंडिया डेवलपमेंट कॉपोरेशन फ्रेमवर्क की वो कौन कौन सी है कैपेसिटी बिल्डिंग कंसेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग ग्रांट और ट्रेड वेयरिंग ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इज़ प्रोवाइडेड अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो इंडिया का डेवलपमेंट पार्टनरशिप एजेंसी जो है ये प्रपोज्ड न्यू एंटिटी ये क्या करेंगी बेटर डिलीवरी जो भी डिलीवरी से रिलेटेड इशूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगी ठीक है इंगेज करेंगी बहुत सारे एक्टर्स को फॉर एग्जाम्पल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गए प्राइवेट सेक्टर हो गए एन हो गए ठीक है फिर हैंड होल्डिंग टू सेलेक्ट परफॉर्मिंग इंडियन सोशल एंटरप्राइजेस इन सब ये प्रोवाइड करेगी फैसिलिटेट डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ और सब पार्टनर कंट्रीज इन कॉम्बेटिंग नेचुरल डिजास्टर फॉर एग्जाम्पल नेपाल में जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनको कॉम्बेट करेगी ह्यूमेटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी केडिया एंड मेडगेस्कर में फिर इंडियाज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट टू का जो है ये अपकमिंग डेवलपमेंट कॉपरेशन एक्ट है जो कि ये रिफ्लेक्ट क्या करता है फोकस्ड अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है जो भी ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अभी जो भी कोविड नाइन्टीन को लेकर ये एक टाइप का नेशनल क्राइसिस ही है जो कि आया है ग्लोबल क्राइसिस है जो हर जगह आया है तो उसको एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये फिर रीस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस अपेराटिस इट्स अ हाई टाइम दैट इंडिया जो है अपने डेवलपमेंट फाइनेंस जो है उनको रीस्ट्रक्चर करे क्यों कि, किस लिए री स्ट्रक्चर कि वो इफेक्टिव इंगेजमेंट और इफ़ेक्टिव uh, मैनेजमेंट uh, कर सके जितनी भी हम uh, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं फाइनेंस को इन्हांस करके लर्न फ्रॉम इट्स ओन प्रोग्राम्स ऑब्वियसली खुद के प्रोग्राम्स उसको याद करना चाहिए इंडिया का खुद का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है जैसे कि प्रोग्राम लाइक जैम ट्रीनिटी हो गई ठीक है आयुष्मान भारत अदर इनिशिएटिव गति शक्ति तो गतिशक्ति जो है इकोनॉमिक वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको उस टाइम पढ़ाऊंगी ओके सो दिस इज़ द इंडियाज डेवलपमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया वो टॉपिक नाउ लेट्स कम टू इंडिया सेंट्रल एशिया तो इंडिया और सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जो भी सेंट्रल एशिया पी टी इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई थी तो so, उसमें मैंने पढ़ाया था कि इंडिया सेंट्रल एशिया फर्स्ट डायलॉग जो है वो हमारा समरकंद uh, में हुआ था उजबेकिस्तान की कैपिटल जो है वहाँ पर तो so, ये मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है उज्बेकिस्तान की कैपिटल नहीं है वो समरकंद में हुआ था अभी ये मुझे पता है उजबेकिस्तान की कैपिटल जो है वो तजाकिस्तान है ओके सो नाउ लेट्स कम टू द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जो थे किर्गिस्तान के मतलब जो हमारे फॉरन मिनिस्टर हैं वो किर्गिस्तान गए थे बायोलेट्रल विजिट के लिए जहाँ पर उन्होंने डॉलर टू मिलियन क्रेडिट लाइन अनाउंस किया और उसके बाद उन्होंने सीका की सीका जो एक सीका करके एक मीटिंग है वो उन फॉरेन मिनिस्टर

रिपे करते हैं ठीक है अब इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जैसे कि हो गए कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन की फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान दीज आर द फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके okay, तो आप मुझे एक चीज़ बताएँगे कैसपियन सीको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ठीक है ये जो है फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड पार्ट है ठीक है एक्सटेंडेड नेबरहुड मतलब इंडिया का जो नेबरहुड है वो तो आठ कंट्रीज़ हैं है, बट उसके अलावा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड इंडिया के और भी थोड़ा सा दूर जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है दैट इज़ फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अब इंडिया हैज़ सेवरल बहुत ज़्यादा आपको पता होगा कि इन सब कंट्रीज़ के साथ ईरान और ये इन सब फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ओल्ड जो सिविलाइजेशनल लिंक्स जो है सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ज्यादा है ठीक है इंडिया जो है डील करता है सेंट्रल एशिया के साथ मल्टीपल लेवल से अगर फर्स्टली बात करें तो बायलेटरल लेवल पर सेकेंडरी सेकेंडली मल्टीलेट्रल लेवल पर जैसे कि एस हो गया संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिर सीका हो गया और थर्डली अगर बात करें तो मल्टीलेयर इंगेजमेंट भी इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ रखता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल्स लेवल्स अब एवोल्यूशन बात करें इंडिया और सेंट्रल एशिया की तो एशियंट और मिडिवल पीरियड में आपको पता होगा जो हमारे गुड्स जो ट्रेड होता था गुड्स और सर्विसेज का वो ऐसे ही होता है आइडिया और थॉट्स का होता था ये जो है बियॉन्ड सिल्क रूड से जाता था अलेक्जेंडर जो थे मैकेडोनिया कुशांस बाबर मुगल्स और सुफिजम ये जो है एविडेंस है पूरे लिंक्स के फिर सेकेंड अगर बात करें मॉडर्न पीरियड में तो इम्पीरियल रशिया और ब्रिटिश जो है उन्होंने ज्वाइन किया था टू इन्फ्लुएंस द टू इन फॉर किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए ग्रेट गेम जो था इन नाइनटीन सेंचुरी उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर की अगर बात करें तो बोथ इंजॉयड वाइब्रेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइस क्योंकि वो सोवियत यूनियन के पार्ट थे इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था सिर्फ एक उनका सेंट्रल एशियन कॉन्सुलेट है जो कि ताशिन में है नाइनटीन एटी सेवन में फिर 1990 की अगर बात करें तो इंडिया का टाइस जो है इस रीजन के साथ बहुत धीरे धीरे डेवलप हुआ सिंस ये जो सेंट्रल एशिया रीजन है वो इंडिपेंडेंस गेन किया इंडिया ने बहुत सारा एडवांटेज इन्जॉय किया लाइक बीइंग द ओनली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थी तब इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन था उन रीजन्स के साथ इंडिया ने असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया एंटी तालिबान नॉर्दर्न अलाइंस इन अफगानिस्तान और रूटेड थ्रू तजाकिस्तान सब्सिक्वेंटली तजाकिस्तान आल्सो बिकम द लोकेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस अब बात करें टू थाउजेंड में क्या हुआ इंडिया और तजाकिस्तान ने बायोलेट्रल डिफेंस कोऑपरे एग्रीमेंट साइन किया जिसको सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है उसके साथ कजाकिस्तान के साथ साइन किया और फिर तापी जो पाइपलाइन है वो टू थाउजेंड टेन में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया 2010 की अगर बात करें तो 2012 में इंडिया ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एंड वील की 2017 में इंडिया ने एस ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर 2019 में इंडिया ने सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ फोरम और 2020 ट्वेंटी में इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ जो कि होस्ट uh, किया गया एंड उन्होंने अनाउंस किया एडिशनल वन बिलियन यूएसडी लाइन ऑफ क्रेडिट टू सेंट्रल एशिया तो दीज आर द टाइम दिस इज़ द टाइम ऑफ फॉर रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया रिलेशन नाउ लट्स कम टू सिग्नीफिकेंस क्यों क्यों जरूरी है सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए तो सबसे पहले नेचुरल और मिनरल रिसोर्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमर्शली वायुएबल क्वान्टिट्टीज़ जो हैं मिनरल रिसोर्स की वहाँ पर प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया हमारा ऑयल गैस क्यूरेनियम मैगनीस एट्सेट्रा और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो है हाइडल रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि हमको एट दी एंड एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं फिर जियो स्ट्रेटिक लोकेशन अगर बात करें तो ट्रेडिशनली सेंट्रल एशिया जो है वो एरिना है ग्रेट गेम का मॉडर्न वर्जन जो है वो अभी भी Uh, uh, है रशिया चाइना यूएस तुर्की टर्की यूरोप पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान ये सारे जो हैं हैव ऑल सब्सटेंशियल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दिस रीजन तो ये सारी कंट्रीज़ जो है इस रीजन में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ढूंढती हैं ऑल्सो द रीजन जो है वो क्रॉस रूट्स ऑफ रशिया और मिडिल ईस्ट एशिया साउथ एशिया एंड द फार ईस्ट उसमें लाई करता है यानी जियो पोलिटिकल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो ये सेवरल बहुत सारे नेबरहुड में भी एक्सटेंड होते हैं अब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पीस और स्टेबिलिटी जो है इस रीजन की वो क्रूशियल फैक्टर है इंडिया के लिए क्योंकि ये इंडिया के इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इ ड्रग ट्रेड जो है अगर गोल्डन प्रेसेंट में हो रहा है ऑफ ओ फॉर गोल्डन प्रेसेंट क्या है सबसे पहले ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो तीन कंट्रीज हैं दैट इज कॉल्ड गोल्डन प्रेसेंट अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वो आ, अगर इलीगल ड्रग ट्रेड हो रहा है तो ये जो है रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है अब एक्सट्रीमिज्म फंडामेंटलिज्म टेररिज्म ये भी टाइप के अदर चैलेंजेस हैं अब एग्रीकल्चर की बात करें तो सेंट्रल एशिया जो है यूज कल्टिवेबल लेंग बैरल लैंड है विदाउट बीइंग पुट टू एनी प्रोडक्टिव मतलब कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है उजबेकिस्तान जो है वो आ, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस और इंडिया एग्री बिजनेस कंपनीज जो हैं वो सेंट्रल एशिया में कमर्शियल एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सेटअप करेंगी तो इंडिया को फ़ायदा ही होगा अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया जो है ह्यूज कस्टमर मार्केट है बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन तभी पॉसिबल किस चीज़ से पॉसिबल है थ्रू जॉइंट वेंचर्स बैंकिंग में अगर हम कर लें इंश्योरेंस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लार्ज इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो बिट करती हैं रोड और रेलवेज़ के लिए इम्पोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया जो है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज करते हैं तो दीज आर द बेनिफिट सिग्निफिकेंस क्या है नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ सेंट्रल एशियन रिलीजन रिलेशनशिप से सबसे पहले पुअर कनेक्टिविटी बिकॉज हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया को ठीक है uh, क्यों नहीं है द एडवर्स जोग्राफिकल टेरेन है थोनी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत डायनेमिक्स बहुत अलग अलग हैं जिसके कारण जो है हमारा कहीं कही ना कहीं इंडिया सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाता अनरियलाइज्ड ट्रेड पोटेंशियल इंडिया जो है इंडिया का ट्रेड जो है इस रीजन के साथ वो यू एस डॉलर टू बिलियन हो है ओइंग टू क्यों क्यों इतना है बिकॉज ऑफ लिमिटेड कनेक्टिविटी और लो इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद द रीजन दिस अमाउंट जो कि लेस देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है ऑफ इंडियाज़ टोटल ट्रेड वेर इज़ द ट्रेड अगर चाइना के साथ अगर हम देखें इंडिया का तो वो यू एस डॉलर हंड्रेड बिलियन है ठीक है तो इसके कारण आप देख सकते हैं तो ट्रेड पोटेंशियल भी कम है एनर्जी जियो पॉलिटिक्स की बात करें वेरियस रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं इंडिया पैसिफिक रीजन जो है वो इंक्रीजिंगली uh, बहुत ज़्यादा रिलयंट हो रहा है ऑयल प्रोडक्शन में फ्राम मिडल ईस्ट एंड सेंड्रेल एशिया इसके कारण क्या हो रहा है स्क्रैम्बल फॉर ऑयल एंड गैस इन सेंट्रल एशिया जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है सेवलर एक्टर्स को उस रीजन में बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो इसके कारण क्या है बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उस एनर्जी के लिए उस एनर्जी के पीछे भाग रही हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो चाइना जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इंडिया बाई प्रोवाइडिंग क्योंकि वो लोन्स और हेविली इन्वेस्ट uh, करते हैं उस रीजन में जैसे कि प्रोजेक्ट उनका कौन सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा फिर वॉलेटाइल सिक्योरिटी सैनैरियो की अगर बात करें तो इन ये सिक्योरिटी थ्रेड तो है ही है पर इनस्टेबिलिटी जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस को नहीं अच्छा करने दे रही हैं और कुछ जो ईरान और यूएसए को लेकर जो भी न्यूज़ चलती रहती है जैसे जॉइंट कॉपरेशन प्लान ऑफ एक्शन को लेकर भी उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अब इंटरनल डायनेमिक्स की अगर बात करें तो बॉर्डर्स का बहुत अच्छे से डिलनेशन नहीं होने के कारण बाई कम्युनिस्ट लीडरशिप एथनिक ट्राइबल लिंग्विस्टिक और ये सब फैक्टर्स होते ही रहते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं तो दीज आर द चैलेंजेस जो इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशनशिप में डेवलप होने के लिए प्रॉब्लम्स हैं अब वेज उनको एनहेंस कैसे करेंगे तो सबसे पहले एग्रीमेंट इंगेजमेंट जो है वो डीपन करें कैसे डिपेंड करेंगे हमको सेटअप करना पड़ेगा इंडिया सेंट्रल एशिया फॉरम समिट ऑनलाइंस ऑफ इंडिया अफ्रीका जैसे कि इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट है उसी तरह हम इंडिया सेंट्रल एशिया फॉरम समिट भी करें जिसमें बहुत सारे म्यूचुअल कंसर्न्स जो हैं उनको डिस्कस करें और उनके कॉन्क्रीट डिसीजन सजेशंस ले आए इंडिया जो है उसको सेटअप करना चाहिए इंडिया सेंट्रल एशिया थिंक टैंक फॉरम डिस्कस और डिबेट करने के लिए ट्रैक टू लेवल पे फिर एफ भी हमको बढ़ाना चाहिए एंड यूरोन इकोनॉमिक यूनियन जो है उसको भी उसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए हमको रिवर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन इन कॉपरेशन विथ थर्ड कंट्रीज़ तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया यूएस रशिया अगर कॉपरेट करें एरियाज में जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो वो जो है uh, ये जो ड्रफ्ट ट्रैफिकिंग वगैरह है वो उसको थ्रेट को रिड्यूस कर पाएंगे डिफेंस कॉपरेशन जैसे कि एनुअल एक्सरसाइज होती है कज, काजिंद कजाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनुफैक् जॉइंट मैनुफैक्चरिंग स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो उससे भी हमको फायदा होगा जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए सेटअप करें इंडिया सेंट्रल एशिया डिफेंस एक्सपो जो है उसको भी ऑर्गेनाइज़ करें फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो इंडिया को अपना सेंट्रल एशिया का जो भी आउटरीच है सेंट्रल एशिया में जो भी आउटरीच है बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए सोशल कैपिटल थ्रू प्रोग्राम्स लाइक इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कापोरेशन एंड प्रोग्राम एंड इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इन सबसे हमारा रिलेशन बढ़ेगा फिर अंडर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इंडिया जो है उसको ग्रांट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए फॉर फर्दर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए वेयर महला कल्चर महला कल्चर इज़ वाइडली प्रिवलेंट ओके okay. और सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच भी हमको रखनी चाहिए जैसे कि आ, हम जो है चाइना को काउंटर कर पाए एज अ चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको हम कम कर पाए ठीक है अब कनेक्टिविटी अगर बात करें कनेक्टिविटी एफर्ट्स जो इंडिया ने लिए हैं सेंट्रल एशिया के साथ तो सबसे पहले इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट है वो टू थाउजेंड में लॉन्च किया गया था जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ईरान सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच इंडिया ने इंडिया ने आल्सो एक्सपोर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग विद सेंट्रल एशिया विया ईरान चाबर पोर्ट एंड देयर आफ्टर ओवरलैंड कॉरिडोर पासिंग थ्रू अफगानिस्तान टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया और सेंट्रल एशिया की अगर बात करें ईरान के द्वारा ईरान इंडिया ने अभी कस्टम्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर टी आई आर कारनेट्स टू थाउजेंड सेवेंटीन में उसको उसके अंदर कवर किया और अशगाबाद एग्रीमेंट इंडिया ने ज्वाइन किया विच इंक्लूड्स ईरान ओमान तुर्कमेनिस्तान एंड उजबेकिस्तान इन टू थाउजेंड एटीन ओके तो ये कनेक्टिविटी एफर्ट्स जो इंडिया ने लिए हैं अब कंक्लूजन पर अगर बात करें तो जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना अपना लेकर आ रहा है है, तो इंडिया को भी एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए और यूरोपियन यूनियन न्यू सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी चाहिए जो कि चाइना को काउंटर पर पाए और इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन और बढ़ा पाए और कनेक्टिविटी और बढ़ा पाए ठीक है ये जो है मेजर एक्टिव रोल प्ले करेगा अगर इंडिया जो है ये सब चीजें करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशन को बढ़ाने के लिए सो दिस इज़ द कंक्लूजन नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट्स तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये भी मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन की पी टी थ्री सिक्सटी फाइव आई थी उसमें मैंने आपको बढ़ाया था इंडिया जो है फिर से री एलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए किस 2022 टू तो 2024 टर्म के लिए पहले वो कब कब तक था दिसंबर 2021 तक था यूएनएचआरसी में कितने मेंबर्स होते हैं 47 मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इंडिविजुअली बाय सीक्रेट बैलेट कौन इलेक्ट करता है यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और इनका जो टर्म होता है मेम्बर्स का वो तीन साल के लिए होता है और वो इमीडिएट री एलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते आफ्टर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए वो इलेक्ट हो गए मतलब तीन तीन साल छः छः साल के लिए हो गए हैं तो इमीडिएट उनका री एलेक्शन नहीं होगा ओके okay? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नाउ लेट्स कम टू नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइप लाइन तो नॉर्थ स्ट्रीम टू जो है अभी एक रनिंग uh, प्रोजेक्ट है पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी तक जाएगी वो अभी कम्प्लीट हो गई है यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ द रशिया रेड लाइन एंड दिस इज जर्मनी जर्मनी तक जाएगी तो ये क्या है ये न्यू एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी के अक्रॉस रन करती है रशिया से यूरोप में एन एस टू जो है वो कंस्ट्रक्ट शन जो है उसका शुरू हुआ था 2018 में बट बट अभी इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंट कौन करेगा नॉर्थ स्ट्रीम टू ए प्रोजेक्ट जो कंपनी है वो इम्प्लीमेंट करेगी और ये जो है अभी कंप्लीट हो गया है डिसीजन है कि इसको क्यों बिल्ड करना है इसलिए बिल्ड करना है कि हमको जो भी आ, ये बेस्ड जो भी हम इसको बिल्ड कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है ऑन द सक्सेसफुल एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग नार्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन और ये पाइपलाइन जो है वो डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेगी बिटवीन गर्स एंड द यूरोपियन कंज्यूमर्स अब सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली फ्रेंडली है बिकॉज सी रूट से जा रही है ठीक है अंडर वाटर लिंक से जा रही है तो शॉर्टेज रूट है और एनवायरमेंट uh, फ्रेंडली है एनर्जी सिक्योरिटी यूरोप को प्रोवाइड करेगी रशिया के जो भी हाईली लेवल सप्लाई जो है रशियन गैस जो है वो यूरोप तक सप्लाई करेगी तो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी फिर एन एस टू जो है वो पर्टिकुलरली इम्पॉटेंट है यूरोप के लिए बिकॉज़ यूरोप में डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है एंड इंक्रीज़ हो रहा है हमारा जो भी डिमांड है इम्पोर्टेड गैस की तो इसलिए जो है यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है ऑफर स्टेबिलिटी इन द रीजन द पाइपलाइन ऑफर स्टेबिलिटी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ठीक है यूरोपियन यूनियन को और, और रशिया जो है एनर्जी ट्रेड बिकॉज रशियाज डिपेंडेंस ऑन यूरोपियन यूनियन वाइज वर्सा इंक्रीज बिकॉज ठीक है क्योंकि उन दोनों का डिपेंडेंस जो है एक दूसरे के ऊपर इक्रीज़ हो जाएगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे अब इशूज़ क्या क्या है इम्पैक्ट सेवरल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑब्वियसली कैसे मनी कंट्रीज जो है ईस्टर्न यूरोपियन में सच सचेस पोलेंड स्लोवाकिया ये यूक्रेन ये जो है ये अपोज कर रही हैं नॉर्थ स्ट्रीम टू को बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है ट्रांज़िट फीस लॉस करेंगे एंड पार्शली बिकॉज ऑफ फियर्स दैट इकोनॉमिक और फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो जियोपोरेटाइज हो जाएगी ठीक है इसके कारण जो है ये आ, आ, ये अभी थोड़ा सा Uh, ये कंट्रीज़ जो हैं uh, इसको अपोज कर रही हैं यू एस सैक्शनड इन अलाइड कंट्रीज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर बात करें तो वेस्टर्न कंपनीज जो थी वो वॉयलेट कर रही थी वेस्टर्न वेस्टर्न कंपनीज दैट वाइलेटेड द वेस्टर्न शेंशन ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाइज टू सोवियत ब्लॉक वर फ्रिक्वेंटली सेंक्शन ठीक है पहले क्या था कि वेस्टर्न जो कंपनीज थी जो कि वॉयलेट कर रही थी वेस्टर्न जो भी यू एस ने सैक्शन लगाए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ uh, में तो अभी जो है उसको फ्रिक्वेंटली सेंक्शन किया है तो यू एस सेंक्शन जो है एलाइट कंट्रीज़ को वो भी जो है ये इशूज हैं सारे ठीक है तो दिस इज द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आई विल स्टार्ट विद इकनॉमी टू थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन